धाकड़ खबर, बेखौफ सुमा, बेबाक अंदाज। दो बार आपने कांग्रेस के मौजूदा एमएलए को कामयाब किया, मगर जिसको आपने कामयाब तो किया मगर उसने आपको मुतमईन नहीं किया। जिसको आपने कामयाब किया वो कभी भी हुबली ईस्ट की जनता में नजर नहीं आया। जिसको आपने दो दो बार धूप में बारिश में खड़े होकर अपने वोट का इस्तेमाल किया, जब आपको उसकी जरूरत पड़ी वो आपके दरमियान में नहीं था। इसीलिए मेरी आपसे ये गुजारिश है कि हुबली ईस्ट की जनता को मिलकर एक अच्छा फैसला करने की जरूरत है। यकीनन हमारे सामने कांग्रेस भी है और बीजेपी भी है। अगर हुबली ईस्ट की जनता यह चाहती है कि उनको एक बेबाक एमएलए मिले जो किसी से नहीं डरने वाला हो और किसी के बातों में नहीं आने वाला हो, वो किसी के दबाव में नहीं आने वाला हो, बल्कि वो बेखौफ होकर आपकी आवाज अगर कोई बन सकता है, जो बेखौफ होकर हुबली ईस्ट के गरीबों की तकालीफ को अपनी तकलीफ समझ सकता है, जो सबसे कमजोर है वो उसकी आंखों में मजबूत होगा, जो सबसे आखिर है वो उसको सबसे सामने लाने वाला अगर उसका नाम है तो दुर्गप्पा बीजावाड़ उसका नाम है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप अगर गरीब हैं, कमजोर हैं, तो आप तमाम से गुजारिश कर रहा हूं कि आप मजलिस के कैंडिडेट का साथ दीजिए। अगर आप चाहते ये हैं कि हुबली ईस्ट से बीजेपी की कामयाबी को रोका जाए, तो बीजेपी की कामयाबी को अगर कोई रोक सकता है तो उसका नाम दुर्गप्पा बीजावाड़ है। कांग्रेस के कैंडिडेट में दमखम नहीं है, कांग्रेस का कैंडिडेट थक चुका है, कांग्रेस का कैंडिडेट बीजेपी के सामने नहीं खड़े हो सकता है, कांग्रेस के कैंडिडेट में इतनी ताकत नहीं है कि वो बीजेपी के नापाक अजायम में उनको रोक सके। अगर कोई बीजेपी मोदी अमित शाह के सामने खड़े होकर, आरएसएस के सामने खड़े होकर कह सकता है कि कोई हिम्मत नहीं कर सकता, तो उसका नाम दुर्गप्पा बीजावाड़ है। ये कांग्रेस के लोग अंदर से मिले हुए हैं, ये मैच फिक्सिंग करते आते हैं, और इसीलिए मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि यहां पर इस हुबली ईस्ट की कॉन्स्टिट्यूएंसी में अगर किसी का मुकाबला है तो एक तरफ हमारा कैंडिडेट दुर्गप्पा बीजावाड़ है, दूसरे तरफ ये अमित शाह और मोदी की जोड़ी है। इसीलिए आप तमाम एक अच्छा फैसला लीजिए, मुत्तहिद होकर वोट का इस्तेमाल करिए, एक होकर अपने वोट का इस्तेमाल करिए, हुबली ईस्ट की कामयाबी के लिए अपना एक एक वोट मजलिस के पतंग के निशान पर बटन दबाइए। आपको जरूरत है एक ऐसे एमएलए की जो बेंगलुरु के विधानसभा में जाकर आपके लिए लड़े। आपको एक ऐसे एमएलए की जरूरत है जो पुरानी हुबली में पीने का पानी आपको चार दिन में या पांच दिन में एक मर्तबा आता, वो रोज आपको साफ पीने का पानी मिले। आपको एक ऐसे एमएलए की जरूरत है कि अगर कोई फेसबुक पर कोई बकवास लिख देता है तो सबसे पहले पुलिस स्टेशन को जाएगा तो दुर्गप्पा जाएगा, आप नहीं जाएंगे। आपको एक ऐसे एमएलए की जरूरत है कि अगर हालात खराब हो रहे हैं तो वो खुद जाकर हालात को सुलझाए, ना कि आपको जाना पड़े और आपके जाने के बाद बेकसूर लोगों को गिरफ्तार करके एक 14 महीने से जेल में उनको रख दिया गया और कांग्रेस का एमएलए हिम्मत नहीं है उसको उनका नाम लेने से। आपको ऐसे एमएलए की जरूरत है
जो 300 साल की दरगाह को अगर रोड वाइडनिंग के नाम पर अगर कोई तोड़ देता है, मस्जिद को शहीद कर देता है, तो कहां गया वो कांग्रेस का एमएलए? अगर दुर्गप्पा हमारा एमएलए होता तो दुर्गप्पा खड़े हो जाता महमूद कादिर रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह के सामने और कहता कि मेरी लाश पे से बुलडोजर को गुजरना पड़ेगा, मैं अल्लाह के वली के कब्र को हाथ लगाने नहीं दूंगा, मैं अल्लाह के मस्जिद को शहीद होने नहीं दूंगा। अरे ये इम्तिहान होता है। मगर ये कांग्रेस के लोग जो अपने आप को सेकुलर सेकुलर कहते हैं, अरे 300 साल की मोहम्मद कादरी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह को शहीद कर दिए, मस्जिद को तोड़ दिए, तो तुम कहीं पर नजर नहीं आए, तुम अपने घर में आराम से टॉनिक पीकर सो गए थे और मस्जिद और दरगाह को शहीद कर दिया गया था। अगर हमारा भाई दुर्गप्पा बीजावाड़ एमएलए होता तो खड़ा हो जाता और कहता कि किसी माई का लाल में दम नहीं है यहां पर कुछ कर सके। मगर आपको एक अच्छा फैसला लेना है मेरी इज्जतदार और माँ और बहनों, मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, हुबली ईस्ट की तरक्की के लिए आपको मजलिस के कैंडिडेट के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करना पड़ेगा।